साथियों, लोकतंत्र में हार जीत जनता के लिए किए गए सेवा कार्यों से तय होती है। आप सभी ने ममता दीदी को 10 साल काम करने का मौका दिया। आपके बीच आकर ममता दीदी की जिम्मेवारी थी वह आकर के 10 साल के काम का हिसाब दे, पल पल का हिसाब दे, पाई पाई का हिसाब दे, ये चुनाव में उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन दीदी आपको हिसाब नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई हिसाब मांगे तो उसको गालियां दे रही है, उन पर गुस्सा कर रही है। अरे जरा अपने पड़ोस में देखिए, असम में भी चुनाव चल रहा है, असम में एनडीए की सरकार है। इन 5 वर्षों में वहां तेजी से विकास के काम हुए हैं। पहले असम से लगातार हिंसा की खबरें आती थी, तनाव की खबरें आती थी। इन 5 वर्षों में असम में शांति आई है, स्थिरता आई है। जिन्होंने अलगाववाद का रास्ता चुना था वो मुख्य धारा में लौट आए हैं। जबकि दीदी के राज में यहां हिंसा, बम, बंदूक, उसी के धमाके सुनाई दे रहे हैं, उसी की खबरें आती हैं। पूरे पूरे घर उड़ जाते हैं धमाकों से, घर के घर, छत की छत उड़ रही है। और दीदी सरकार सिर्फ देख रही है। इस स्थिति को हमें मिलकर बदलना है। बंगाल को शांति चाहिए, बंगाल को स्थिरता चाहिए, बंगाल को बम बंदूकों और हिंसा से मुक्ति चाहिए। और ये काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है मेरे भाइयों बहनों, और बीजेपी करके दिखाएगी। दीदी, ओ दीदी, मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ता है, वो सुनती नहीं किसी का। दीदी, ओ दीदी, आपने खेला खेलन, आपने खेला खेलन, आमरा सेवा करबो, आमरा सेवा करबो, खेला नय सेवा होवे सेवा। बीजेपीर एकताय मंत्र, बीजेपीर एकताय मंत्र, गरीबेर रोजगार, गरीबेर बाड़ी, गरीबेर सम्मान।